और किस लिए विख्यात है? सर यहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो यूपी में सबसे ज्यादा है। शाही पुल है जिस उसमें हाथी ने शेर को दबाया है कि शेर ने हाथी को दबाया है, और इसका क्या है आशय, क्या ऐसा क्या शाही पुल में जिस आप देखेंगे? सॉरी सर मैंने ध्यान नहीं दिया, एक्चुअली इलाहाबाद पढ़ाई लिखाई हुई मेरी हाई स्कूल शाही लेवल से ही, तो सर हम लोग इस बॉर्डर पे पढ़ते हैं थोड़ा सा, तो उधर कम ही जाना होता मैंने प्लेन में। अच्छा, तो भारत और चीन दोनों प्रतिद्वंदी देश हैं, और चीन ने CPEC विकसित कर लिया या कर रहा है, भारत ने भी उसके जवाब में कुछ किया इसी तरीके से सर पहली बार करने जा रहा है? सर पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि चीन और भारत प्रतिद्वंदी भी हैं सर, सहयोगी भी है, आर्थिक दृष्टि से सहयोगी है कुछ मामलों में, चूंकि एशिया के दोनों प्रतिस्पर्धा मतलब दोनों बड़ी शक्तियां हैं तो इसलिए प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक है, पड़ोसी भी हैं, लेकिन बहुत सारे मामलों में सर सहयोगी भी हैं। लेकिन भारत के चारों तरफ घेरा बनाता जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? भारत ने भी इसका जवाब देना शुरू कर दिया है तो प्रतिद्वंदी तो हो ही गई सर। अब ऐसी परिस्थिति में CPEC के जवाब में भारत क्या कर रहा है? सर CPEC जो बन रहा है आर्थिक कॉरिडोर पाकिस्तान और चाइना का, पाक अक्वाइट कश्मीर से होकर जा रहा है, तो इसके जो चाबहार बंदरगाह है सर उसको विकसित कर रहा है भारत, और जो दक्षिणी चीन सागर में वियतनाम से संबंध बना रहा है, जो चाइना उसको दक्षिणी चीन सागर को अपना आधिपत्य मतलब अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, तो भारत ऑस्ट्रेलिया वियतनाम फिलीपींस इन सबके साथ मिल करके उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अस्काबाद समझौता क्या है? अस्काबाद सर सॉरी पढ़ा तो है लेकिन इससे मुझे याद नहीं। अच्छा, UNSCIC भारत की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है और वो इसको आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन है क्या ये? UNSCIC कॉरिडोर ये भी है जैसे CPEC का है, संकेत इतना दे दिया गया आपको। अच्छा, अब आप ये बताइए जो जिला सुरंग एक टनल है, इस दिशा में भारत ने कदम बढ़ा दिया और इससे फायदा क्या है? सर बनिहाल और श्रीनगर के बीच जो जिला सुरंग है और लद्दाख क्षेत्र पे नियंत्रण करने के लिए, लद्दाख मतलब पहुंच भारतीय पहुंच आसानी से हो कम हो जाए, इसलिए सर जो जिला सुरंग बनाया गया। कितना दूरी कम हो जाएगी इसमें? सर ये आइडिया नहीं। अच्छा, इससे चीन को भी तो कुछ असर पड़ेगा। छह माह तक भी वहां जाया जा सकता है इस सुरंग के बनने से, हम लगातार आना जाना शुरू कर देंगे। अच्छा, ये बताइए कि सीटों क्या है? ये सर शीत युद्ध काल में मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध काल में सीटों अमेरिका द्वारा बनाया गया था, सेंट्रल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल क्या है सर? ये भी एक संगठन बनाया गया था अमेरिका का मतलब साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए। बगदाद पैक्ट ये क्या है सर? उसी रक्षा सीधे उससे संबंधित है। भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संदर्भ में एक नई नीति अपना लिया है, वो नई नीति क्या है? सर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो भले लुक ईस्ट पॉलिसी थी सर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये कैसे आप प्रमाणित करेंगे कि इसको अपना लिया? सर आसियान के साथ भारत लगातार अच्छे संबंध बना रहा है
और अभी जो ये इस बार गणतंत्र दिवस समारोह पे सर आसियान के सभी देशों को बुलाया गया था गेस्ट के रूप में, और सर पार्टनरशिप भागीदार है, वार्ता भागीदार है, डायलॉग पार्टनरशिप आसियान का। किसान गंगा प्रोजेक्ट क्या है सर? ये झेला नदी पे बनाया गया किसान गंगा प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में भारत द्वारा निर्मित हाइड्रल पावर। अच्छा, इससे फायदा क्या है भारतवर्ष को? सर इससे सर पाकिस्तान विरोध कर रहा है इसका। जी सर। सर इस विषय को उन्हें तक पहुंचाया गया है और उसने भारत का पक्ष ले लिया। सर किसान गंगा परियोजना में सर पनबिजली मैंने ऊर्जा एनर्जी पर्पज से और सर पेयजल के लिए भारत द्वारा बनाया गया है। इसमें विवाद यह है सर कि 1960 का जो सिंधु जल समझौता है उसमें 20% सिंधु नदी का 20% भारत को दिया गया था, 20% जल यूज करने का। ये किस नदी पर है पहले तो ये आपका? सर सिंधु नदी में चिनाव है, सतलज है, झेलम है, रावी है, किस नदी पर? किसान गंगा सर झेलम नदी पर था। तो सर सिंधु जल समझौता जो था सर 6 नदियों के बीच में था, तो उसमें सिंधु झेलम और चिनाव इस पे पाकिस्तान को मतलब यूज करने का था, रावी व्यास और सतलज का भारत को। तो उसपे 20% जो भारत को अधिकार मिला था, तो अभी तक भारत जरूरत पड़ने करता था नहीं करता था। भारत का ये मंतव्य है कि जो 20% है अब हम उसको जरूर यूज करेंगे। रन ऑफ वाटर जो है मतलब रनिंग ऑफ वाटर परियोजना चला सकता है भारत समझौते के अनुसार। तो पाकिस्तान का विरोध कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भारत के पक्ष में फैसला दिया है, वो कर सकता है। एक और विवाद था जो पाकिस्तान और भारत से संबंधित था लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया था, भारत और पाकिस्तान से संबंधित। किस संदर्भ में मुझे याद नहीं है। क्या कच्छ केरन का मामला था? उसमें उसमें भारत को नुकसान हुआ था कि फायदा हुआ था? सर क्रीप वाला मामला था कच्छ केरन का, पता नहीं। अच्छा सर जॉब में हो तो टाइम कम मिल पाता है, मेरी ये मजबूरी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए ब्रिक्स का क्या मतलब होता है? ब्रिक्स में सर ब्राजील, रसिया, भारत, साउथ अफ्रीका और चाइना, इन 6 देशों का संगठन है ब्रिक्स में। सर सॉरी 5 देशों का संगठन है और ये क्षेत्रीय सामरिक आर्थिक सहयोग इन सब से संबंधित है। क्या भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य होना चाहिए? सर बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यह जरूरी है, क्योंकि जो सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य हैं वो 1945 जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना उस समय के परिदृश्य बनाए गए थे। अब सर विश्व की परिदृश्य बहुत बदल चुका है। ऐसा सुना जाता है 1950 के दशक में कहा गया था भारत के लिए कि बन जाइए सुरक्षा परिषद के सदस्य, लेकिन उसने इशारा कर दिया चीन की तरफ। तो अगर बनना था तो उस समय बन जाना चाहिए था। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हमारा अंशदान कितना है। अंशदान के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भारत बहुत नीचे है और फिर भी ये दावेदारी कर रहा है कि हमको सुरक्षा परिषद का सदस्य बनना चाहिए। पहले योगदान दीजिए फिर आप अपने अधिकारों के लिए प्रयास करिए। सर इस पर आपका क्या मत है? सहमत है या असहमत है हमारे विचार से? सर मेरा मत ये है कि सर केवल योगदान के आधार पर सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाना न बनाना ये सर गलत है, मेरा मानना है। भारत चूंकि एक विश्व की इतनी जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या का सर प्रतिनिधित्व करता है, एक बड़ा लोकतंत्र है, उभरती हुई ताकत है, छठवीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, विश्व के परिदृश्य में उसकी बात सुनी जाती है, तो इस संबंध में सर सुरक्षा परिषद में परिवर्तन करना जरूरी हो गया है। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं तो इसलिए मेरा मन है।
यूएनओ का तो यही मुद्दा है, ठीक है, बाकी शर्तें इन शर्तों को भी पूरा कर लीजिए। समय ने बताया कि भाई जो आर्थिक सहयोग बना, आज देखिएगा अमेरिका को यूएनओ में कोई भी प्रस्ताव पारित कराना होता है वो सीधे कॉन्सेंट्रेट करता है अफ्रीका के उन कह 50-55 देशों की ओर और उनको आर्थिक सहयोग दे करके अपने पक्ष में वोट करा देता है। तो स्वाभाविक है कि आज अगर यूएनओ का जितना भी खर्च है उसका मैक्सिमम पैसा अगर देखा जाए तो अमेरिका ही खर्च करता है, और अगर विकसित देशों को देखिएगा तो लगभग लगभग उसका 83% पैसा ये विकसित देश ही देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो विकासशील देश हैं है ना, उनकी दावेदारी ठीक है, लेकिन उनका संदर्भ यह है कि अगर आर्थिक सहयोग कीजिए तो आपको यूएनओ का सदस्य बना दिया। इसमें महासचिव कौन से हैं? यूएनओ के महासचिव को कर रहा हूँ, और एक अभी हाल में उनके सहायक बने सहायक महासचिव, वो किस देश के? भारत के। हाँ सर, पूछिए आप। अब एक बात बताइए कि अरिहंत सबमरीन का नाम सुने आपने? यदि अरिहंत जो कि अब फाइनली इंडक्ट हो चुका है इंडियन नेवी में, इसके इंडक्ट होने से क्या क्या लग रहा है, क्या सामरिक स्तर पर क्या बढ़त मिलने वाली है भारत को? सर अरिहंत परमाणु पनडुब्बी है और इसका जो टाइम है अंदर तो वो सब ज़्यादा है पहले के अपेक्षा। न्यूक्लियर पनडुब्बी है इसलिए उसको ऊपर उसके लिए मतलब ऑक्सीजन के लिए ऊपर आने की जरूरत नहीं है, तो वो लंबे समय तक पानी के अंदर डूबा रह सकता है। दूसरी बात सर, जो मतलब टेक्नोलॉजी जो है उसको पकड़ने की, मतलब दुश्मन देशों की जो टेक्नोलॉजी है रडार टाइप मतलब कैच करने वाली, उसकी नज़र से ये बच सकता है। स्टील से टेक्नोलॉजी इसमें मान सकते हैं सर, बच सकता है, तो इससे सर फायदा होगा। सामरिक क्या है, तो आपने सबमरीन की क्वालिटी बता दिया, ये तो सबमरीन की क्वालिटी है ना, इस न्यूक्लियर पावर्ड है, बार बार ऑक्सीजन के लिए बैटरी रिचार्ज करने के लिए सतह पे नहीं आना पड़ेगा, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ये तो उसकी क्वालिटी हो गई जी। यदि किसी देश की अपनी मान लीजिए न्यूक्लियर पावर सबमरीन है तो उसको सामरिक दृष्टिकोण पर क्या क्या बढ़त मिल सकती है तुलना में उन देशों की जिनके पास नहीं है? सर बढ़त ये बन सकती है कि हिंद महासागर जो क्षेत्र है वो व्यापारिक दृष्टिकोण से और पॉपुलेशन की दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब 80% व्यापार लगभग विश्व हिंद महासागर से होता है। अगर हमारी जो पनडुब्बी है नौसेना है अगर वो पावरफुल रहेगी तो हम अन्य देशों पे अपना कूटनीतिक बढ़त ले सकते हैं, उन पे अपना प्रभाव स्थापित कर सकते हैं। आपने इंद्रधनुष मिशन का नाम सुना है? जी सर। क्या है ये? सर ये 7 रोगों के प्रति टीकाकरण अभियान है भारत सरकार का, और ये 25 सितंबर 2016 में टीकाकरण किसका किया जाता है? सर बच्चों का। सिर्फ बच्चों का? सिर्फ बच्चों का ही होता है उनकी? नहीं सर, इसमें जो मिशन इंद्रधनुष में है उसमें बच्चों का ही है सर। अच्छा, मतलब जो मदर्स हैं उनका नहीं होता है इसमें, प्रयोग नहीं करते उनको? सर आयुष्मान भारत अभी काफी चर्चा में है सर, इसकी बताइए इसके क्या की फीचर्स क्या हैं इसके? सर इसकी की फीचर्स यह है आयुष्मान भारत का कि भारत की गरीब जनसंख्या को विधवा जनसंख्या को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना, लगभग 10.74 परिवारों के 50 करोड़ जनसंख्या को इसमें कवर किया जाएगा सर, और इसका आधार जो है वो सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के अनुसार इसमें किया जाएगा, और उसके जो मानक निर्धारित किए गए हैं कि उसमें अधिक से अधिक गरीब जो उनका आर्थिक स्थिति खराब हो जाती थी किसी रोग के कारण तो उसको मतलब उनको दिक्कत ना हो, उनका पोषण स्तर सुधरा रहे, चूंकि जब दवा में ज्यादा इन्वेस्ट हो जाता था पैसा। जौनपुर की कुछ विशेष बताइए, कुछ बहुत जो बहुत ज्यादा फेमस चीजें हो जौनपुर में? एक मूली है, लेकिन सर प्लीज सर और बताइए उसके अलावा कुछ खाने पीने की कोई जौनपुर की और भी कुछ है मशहूर चीज? सर इमरती भी पसंद है, मक्का भी तो है, मक्का भी सर, मक्का है, इमरती है। इमरती है, चलिए मान लेते हैं इमरती है, तो यदि उस इमरती को यदि हमें एक विश्व स्तर पे एक उसको एक पहचान प्रदान करना हो,
तो मान लीजिए कि आप वहाँ के SDM हैं, तो आप क्या प्रयास करेंगे कि इसको वर्ल्ड लेवल पे इसको रिकॉग्निशन मेंटेन कराया जाए? ऐसा कोई प्राविधान है हाल फिलहाल? बहुत सारी चीज़ें हैं, जियोग्राफिकल टैग वाला है वो कर सकते हैं, एक ब्रांड बनाया जा सकता है जौनपुर की मिट्टी का। हाँ। और इस हिसाब से उसका एक मतलब एड विज्ञापन इन सब। अभी हाल फिलहाल में किसी को ऐसा जियोग्राफिकल टैग टैग का इंडिकेशन होता है किसी को मिला है? जी सर। किसको मिला है? पश्चिम बंगाल में सर, रसगुल्ला। रसगुल्ला और आसपास अभी हाल फिलहाल में इनके अलावा सर याद नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल में आपने डिजिटल स्काई पोर्टल का नाम सुना है? डिजिटल स्काई पोर्टल, आप रिव्यू ऑफिसर वर्क कर रहे हैं ना वर्तमान में, क्या जॉब प्रोफाइल है आप, मतलब क्या क्या काम करने पड़ते हैं उसमें आपको? सर हम लोगों का जो जॉब प्रोफाइल सर उसमें कई प्रकार के कार्य हैं, परीक्षा से संबंधित कार्य है सर, प्रमोशन से संबंधित है, और ADC से संबंधित है, एंटी डिसिप्लिनरी एक्शन, और ये ऐसे टाइप के कॉपियों स्क्रूटनी करना, आवेदन पत्र चेक करना, इंटरव्यू कराना सर, ये काम वेरियस टाइप के। जी सर। चलिए एक प्रश्न और बताइए कि मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान सरकार है वो सही अर्थों में जो विकास का जो परिवर्तन होना चाहिए ना उसमें तो फेल हो गई है। तो आजकल ये क्या कर रहे हैं कि आजकल ये स्थानों के जगहों के नाम के परिवर्तन में एक नया इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया है, आप इस बात से कितना सहमत हैं? सर विकास के स्तर पर फेल हो गई सर ये कहना तो सहमत नहीं हूँ, क्योंकि लगातार सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है सर, उसमें सुधार भी आ रहा है, पूरी तरह खारिज कर दो विकास पे फेल हो गए सर, किसे कहीं 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 गलत है। अच्छा। और रही बात नामकरण की है सर, तो नामकरण जो जुड़ा है अगर उसको अच्छे मतलब सांस्कृतिक संदर्भ में लिया जाए, क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पे UP में अगर पर्यटन जो है वो सर सांस्कृतिक पर्यटन की संभावना है, क्योंकि केरल की तरह ऐसा नेचुरल पर्यटन हो नहीं सकता, वैसा है नहीं यहाँ पे, और राजस्थान की तरह ऐतिहासिक किले वगैरह भी उतनी उस संख्या में नहीं है उस मात्रा में। तो अगर हम पर्यटन की दृष्टि से एक पर्यटन पर अर्थव्यवस्था में योगदान की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे सर सांस्कृतिक पर्यटन की संभावनाएं हैं। जैसे इलाहाबाद के संदर्भ में क्या हो जाएगा? जैसे कुंभ मेला है अगर देख लिया जाए, या प्रयागराज नाम जो परिवर्तन किया गया है, तो प्रयागराज में जैसे कुंभ मेला है, संगम है, तो यहाँ जो लोगों की जो है ये आस्था पे आधारित है सर, आस्था पे आधारित है, तो आस्था पे आधारित है, तो आस्था में अगर भावना को अगर नामकरण उसके मतलब उसको बढ़ाने में उत्सुकता पैदा करने में अगर नामकरण सहयोगी हो रहा है सर तो इस दृष्टि से तो ठीक है। जैसे कुंभ का मेला ही प्रसिद्ध है देखा जाए तो, कुंभ रख दी होते हैं हम लोग, यदि बात मेले तक ही टिकी हुई है। नहीं वो बात नहीं सर, जैसे प्रयाग है तो प्रयाग संगम मतलब दो नदियों का संगम, ठीक है, ऐतिहासिक में भी सर प्रयाग नाम रहा है, हर्षवर्धन का जो प्रयाग महामोक्ष परिषद होता था उस समय प्रयाग नाम था। तो अगर हम प्रयाग को जैसे कुंभ का करना है हमको उसको प्रपोज कर मतलब क्या बोलते हैं कि उसका प्रसार करना है, विज्ञापन करना है, एड करना है, लोगों को आकर्षित करने के लिए देशी और विदेशी यात्रियों को, तो अगर उसको प्रयाग कर दिया जाए तो लोगों की आस्थाएं और जुड़ जाएंगी, क्योंकि जो कुंभ है वो हिंदुओं का प्रतीक है और हिंदुओं का प्रतीक है, तो प्रयाग से और अट्रैक्शन की भावना सर आएगी, उसमें पर्यटन भावना और ज्यादा बढ़ेगी, तो इस दृष्टि से तो सर ठीक है। ऐसे सर अर्थव्यवस्था भी परिवर्तित होगी, प्रयाग कर नामकरण से नहीं सर, प्रयाग से क्या होगा कि इससे पर्यटन बढ़ेगा, जब पर्यटन बढ़ेगा तो यहाँ के लोगों की चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदी हो सबकी स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि पर्यटन आएंगे सर वो अपनी क्रय शक्ति लेके आएंगे, यहाँ खर्च करेंगे, यहाँ खर्च करेंगे तो जो भी यहाँ के हैं उनका सर आर्थिक क्षमता बढ़ेगी, उनको फायदा होगा, आर्थिक लाभ ज्यादा होगा, तो इस दृष्टि से सर किया जा सकता है। ऐसा है ललित जी कि आप अपने व्यक्तित्व में कोई ऐसे दो गुण बताइए जिसके आधार पर आप आयोग में दावेदारी कर सकते हैं कि मेरा चयन होना ही चाहिए, कोई दो गुण बताइए। सर संकल्प करके और उसके प्रति मेहनत करना, ये सर सबसे बड़ा है, अगर कोई हमने प्लान कर लिया तो उसके पर समर्पित भाव के करना, क्योंकि आज यहाँ तक जैसे मेरा चयन पहले प्राइमरी में भी हुआ, इंटर कॉलेज में भी हुआ, रिव्यू ऑफिसर में भी हुआ, लेकिन मेरा संकल्प पहले से ही था सिविल सेवा में जाना है, उसके प्रति मैं समर्पित रहा और आज यहाँ आपके सामने पहुँचा। कोई आइडिया
आपके लाइफ आपके कैरियर में कोई आइडियल पर्सन किस संबंध में सर? आइडियल मैंने हर व्यक्ति का एक रोल मॉडल होता है सर। आइडियल तो सबसे ज़्यादा हमारे पिताजी हैं। अच्छा जी सर, किस संदर्भ में? किस संदर्भ में सर, उन्होंने शुरू से मतलब जब से मैं जानने लायक हुआ देखा कि मतलब किसी का नुकसान न करना, दूसरों का मदद करना लेकिन अपना नुकसान न करते हुए, जो भारतीय ने तीन प्रकार का आदमी बताया है, उत्तम, मध्यम और अधम। तो हम कह सकते उत्तम ना बन सके तो मध्यम बन सकते हैं। अगर हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है और किसी का हेल्प हो रहा है तो वो चीज़ करने में आनंद आता, संतुष्टि मिलती सर। वो पिताजी का हमारे आदर्श है, वो मेरे साथ अभी भी है। अगर आपका चुनाव हो जाए जी सर, तो इस राज्य को आप अपने किन योगदानों से उपकृत कीजिएगा? कौन सा ऐसा योगदान आपका होगा ना जो राज्य को सबसे बेहतरीन सेवा के रूप में आप प्रस्तुत करना चाहेंगे? सर अगर मेरा चयन हो जाता है तो जो भी हमारे ड्यूटीज है, रिस्पांसिबिलिटीज है, अभी चूंकि मैं जुड़ा नहीं हूँ तो मुझे बहुत आइडिया नहीं उसके बारे में, क्या रूल्स है, क्या उनके अधिकार है, पावर है, लेकिन जो भी हमारे कार्य रहेंगे जिस क्षेत्र में भी उसको मतलब कर्तव्य की भावना से करना और लोगों के साथ सहानुभूति रखना, लोगों का विकास करना और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था। आप जौनपुर से हैं, जौनपुर के तीन समस्याओं के बारे में बताइए जल्दी। सर जौनपुर से कम इलाहाबाद से ज्यादा परिचित हूँ। नहीं कोई बात नहीं, आप रहने वाले जौनपुर के हैं जी। तो जौनपुर से संबंधित कोई तीन समस्याएं बताइए। सर एक समस्या है थोड़ा सा कि वहाँ उद्योग धंधे कम है, ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब उद्योग धंधों की कमी है, लोगों को रोजगार के लिए बाहर शहरों में जाना पड़ रहा है, पलायन की समस्या है सर, ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रवासन हो रहा है सर, एक समस्या सर ये है कि उद्योग धंधों की कमी है। और सर कंफर्म नहीं है, जैसे बोलते ना कि भाई जौनपुर के बारे में कहा जाता है कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, अभी रोड के मामले, कनेक्टिविटी के मामले में भी पीछे है, और जो मार्केटिंग मतलब जैसे किसानों को जो मार्केट वगैरह होना चाहिए उनके लाभ के लिए। अच्छा ये क्यों बोला जाता है, ऐसा क्यों बोला जाता है कि वैश्वीकरण का सबसे प्रतिकूल प्रभाव जौनपुर पर पड़ा? सर ऐसा तो मुझे नहीं आइडिया है। देखिए जो आपका जौनपुर जो है, भदोही जौनपुर, ये कालीन उद्योग के लिए बड़ा फेमस है सर। भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी ज्यादा जौनपुर से जौनपुर में। तो ये जो इलाका था वो कालीन उद्योग के लिए बड़ा फेमस रहा है, और यहाँ से जो कालीन निर्यात होते थे, ऐसा बताया जाता था कि यूरोप में कोई नवविवाहित जोड़ा अगर है और उसको यहाँ से बना हुआ कालीन अगर उपहार में दे दिया जाए तो उसके लिए प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं होती थी। स्वाभाविक है कि यहाँ से जो निर्यात होने वाले कालीन थे बड़े पैमाने पर बिकने लगे थे और उसका लाभ भी गया जौनपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों को दिख रहा था। लेकिन देखिएगा जैसे ही ये अंतर्राष्ट्रीय बाधाएँ उत्पन्न हुई, खासकर देखिएगा कि अब जब यहाँ से निर्यात बढ़ने लगा तो ये जो विकसित देश हैं सीधे मना नहीं कर सकते ना, वैश्वीकरण के दौर में सीधे मना नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक बहाना लगाया, ठीक ना? और बहाना बनाया कि आपके द्वारा बनाए जाने वाले कालीन में बाल श्रम का दुरुपयोग होता है, जबकि देखिएगा बिल्कुल अव्यवहारिक सा था। हमारे देश में बालक बचपन से ही अपने परिवार और अपने माता पिता के आर्थिक क्रियाओं में सहयोग देते रहते हैं, कर? और इसी बहाने वो धीरे धीरे कोई चीज सीखते हैं, एक तरह से ट्रेनिंग पीरियड है, और माता पिता कभी अपने बच्चे को बाल श्रमिक की तरह ट्रीट तो करते नहीं है। अगर डांट के काम सिखाते हैं तो प्रेम और वात्सल्य से उनको क्या पुचकारते भी हैं। लेकिन ये जो बहाना बना इससे क्या हुआ कि इस इलाके से बनने वाले जितने भी कालीन थे उनका बिक्री क्या हुआ, बाधित हो गया। और न सिर्फ बिक्री बाधित हुआ बल्कि देखिएगा इतना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा कि आप देखिएगा जौनपुर और उसके भदोही के आसपास के इलाके में जितने भी कालीन उद्योग थे लगभग ठप समाप्त हो गए। स्थिति सर हाँ इसलिए उनको बोला जाता है कि चलिए ठीक है सर। देखिए चूँकि आप ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन में हैं तो वो एटीट्यूड तो झलक रहा है आपके अंदर, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से डिफेंड कर पा रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन थोड़े क्रिटिकल थे, मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि आप उस पर थोड़ा बहुत सम्यक दृष्टिकोण नहीं बना पाएंगे, लेकिन वो चीज़ है आपके अंदर और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। ऐसा सर ने पूछा नहीं कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है जिसके आधार पर रिकमेंड करें, तो एक तो यही सबसे बड़ी क्वालिटी है
क्योंकि आप ऑलरेडी सिस्टम में हैं, आपने ऑलरेडी एक तरह से अनुभव गेन किया है, वो अनुभव निश्चित तौर पे आप उसको इनकैश करने की स्थिति में हैं आगे का जो भी आपने जो ऑप्शन चूज किया है। तो तीन चीज़ों पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। एक तो आप अपना आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करिए, आई कॉन्टैक्ट इन द सेंस कि पूरे बोर्ड मेंबर के साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करिए, क्योंकि इट इज़ अ बोर्ड इंटरव्यू, इट इज़ नॉट वन टू वन इंटरव्यू। उसका कार्डिनल प्रिंसिपल मैं बता देता हूँ कि यदि बोर्ड कोई भी मेंबर यदि क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन पूछने के दौरान आप बिल्कुल उसी से आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करिए, लेकिन जब आप अपना जवाब दे रहे होते हैं तो जिसने क्वेश्चन पूछा है उससे तो कम से कम 60-70% आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखिए, लेकिन अदर बोर्ड मेंबर को भी इंगेज रखिए आई कॉन्टैक्ट से थोड़ा सा, ताकि वो निगलेक्टेड फील ना करें, अदरवाइज वो बिजी हो जाएंगे, उन्हें लगेगा कोई नहीं, वो नॉट गिविंग अटेंशन। दूसरा ये है कि इनफॉर्मल मत होइए। आपने बोला ना कि सर एक बार फिर से, सर ने कोई प्रश्न पूछा तो आपने बोला सर एक बार फिर से, ये चीज़ नहीं है, थोड़ा उसको और बेहतर तरीके से आप उसको बोल सकते हैं, प्लीज सर फिर से क्वेश्चन, हाँ या सर मैं, हाँ सर मैं पूरी तरीके से मैं समझ नहीं पाया, तो थोड़ा सा उसको फॉर्मल वे में प्रेजेंट करिए। ये सारा थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच को शो करता है, ये सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए। सिंस यू आर ऑलरेडी एन ऑफिसर तो वो एटीट्यूड ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी आप मेंटेन रखिए, वहाँ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। दूसरा ये है कि एक्सक्यूज नहीं चलेगा, पहली बात कोई एक्सक्यूज़ नहीं कि सर मैं जॉब में हूँ तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जॉब में रहते ही क्वालिफाई करते हैं, बहुत सारे आईपीएस हैं, देखिए देखा जाए तो अगले टाइम में वो आईएएस होते हैं, अब वो ट्रेनिंग के दौरान होते हैं, और आईपीएस की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, आई एम श्योर कि उतना टफ आपका जॉब नहीं होगा। कोई एक्सक्यूज़ नहीं, बोर्ड के साथ कोई सिंपैथी नहीं करना है, हाँ जो भी मतलब कोई कारण नहीं बताना, ठीक है, नहीं पढ़ा कारण नहीं बताए, आप सॉरी बोलिए, आप उस पर आप सॉरी बोल सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। गेस नहीं करना है कभी भी, देयर इज नो स्कोप फॉर द गेस आल्सो। करंट अफेयर्स पे काम करिए आप, और आप अपने डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड रीजन पे भी, वहाँ पे भी कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि मैं इलाहाबाद में रहा हूँ तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं जानता हूँ। ये सारी चीज़ों पर आप वर्क करिए, बाकी सब अच्छा आप कर जाएंगे बढ़िया। आपका इंटरव्यू बहुत लंबा है, आराम से काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा संबंधी मामलों को और ज़्यादा। अब देखिए आप सर ने बताया ना कि आप ऑलरेडी तैयार हैं, आयोग के लिए बहुत आसान होगा आपको चुनना, क्योंकि आयोग ने पहले ही आपको अपने लिए चुन रखा है, तो वो तो बहुत सारा कुछ आपको दे रहा है, थोड़ा सा पैसे देखिए ना। थैंक यू। चलो